देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा ये डबल कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ टोटल अलेवन रोज का है सोलह फंदू में बनके तैयार होता है तो चलिए डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने जो है सिक्सटीन के मल्टीपल में स्टिचेस लेने हैं यानी कि सोलह फंदू में हमारा ये डिज़ाइन डलेगा इसमें सेंटर में कोई भी गैप नहीं आएगा हमने इसे जो है कंटिन्यूसली यानी कि लगातार जो है बनाते जाना है सोलह फंदे का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट सोलह फंदे से हमने दोबारा से जो हमने रो फर्स्ट टू सिक्सटीन बनाई थी वही रिपीट करनी है सिंपल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है दो बारी सोलह सोलह फंदे डाले हैं यानी कि टोटल मेरे पास थर्टी टू हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो है यहाँ पर देखिएगा इसमें हमने क्या करना है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो राइट साइड सेकंड कलर ले लीजिए अपना इसमें क्या करेंगे पहला और दूसरा फंदा हमने जो है अपना सेकंड कलर से बना लेना है ये दो फंदे हो गए हमारे यहाँ पे इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे देखिएगा एक दो तीन चार पाँच और छः फंदे अपने जो है बेस कलर से बना लिए फिर हम सेकंड कलर ले लेंगे और इससे एक फंदा बना लेंगे ये हमारे यहाँ पे हो गए दो तो चार पाँच छः सात आठ नौ फंदे नौ फंदों के बाद दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह यानी कि दो दो चार पाँच छः फंदे हमने बेस कलर से बना लिए और सोलह फंदा हमने जो है अपने सेकंड कलर से बनाना है ये हमारा जो है सोलह फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है दोबारा से यही डिज़ाइन आप यहाँ से रिपीट करेंगे जिसमें दो फंदे आपके जो है सेकेंड कलर से जाएंगे फिर छः फंदे आपके ब्लैक कलर से एक दो तीन चार पाँच छः फिर एक फंदा दोबारा से आपका जो है सेकंड कलर से फिर छः फंदे आपके जो हैं बेस कलर से और एंड वाला एक आपका जो है वो आपका सेकंड कलर से जाएगा और रो फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसी तरीके से दोबारा से आप ये पैटर्न डालेंगे ये दो बारी हमने डाला टर्न हो जाएंगे रॉन्ग सिलाई में आएंगे रो सेकेंड है हमारी इसमें हमने क्या करना है पहला फंदा हमने जो है अपना बेस कलर से बना लेना है फिर दूसरा फंदा हमारा जो है सेकंड कलर से जाएगा फिर उसके बाद एक दो तीन चार देखिएगा यहाँ पे चार फंदे हमारे जो है यहाँ पे अपने बेस कलर से गए फिर एक दो तीन फंदे हमारे जो है यहाँ पे सेकंड कलर से जाएंगे, फिर उसके बाद एक दो तीन और चार फंदे हमारे जो है यहाँ पे बेस कलर से गए फिर एक फंदा हमारा यहाँ पे जो है सेकंड कलर से जाएगा और ये एक और दो हमारे जो है बेस कलर से जाएंगे ये हमारा सोलह फंदों का दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फंदों का डिज़ाइन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया दोबारा से यही आप रिपीट करेंगे इन सोलह फंदों में यहाँ पे हम रो थर्ड राइट साइड में आए हुए हैं स्टार्टिंग से ही हमारा जो है डिज़ाइन के फंदे स्टार्ट हो रहे हैं एज स्टिच हमने नहीं रखा हुआ है सोलह फंदों का डिज़ाइन है जिसमें आपने एक दो और तीन जो है पहले यहाँ पे अपने बेस कलर से बना लेने हैं फंदे फिर एक फंदा आपका यहाँ पे जो है वो सेकंड कलर से जाएगा फिर दो फंदे आपके जो हैं यहाँ पे बेस कलर से जाएंगे फिर एक दो तीन चार और पांच फंदे आपके जो है यहाँ पे सेकंड कलर से जाएंगे फिर दो फंदे आपके यहाँ पे जो हैं बेस कलर से जाएंगे एक दो फिर एक फंदा आपका यहाँ पे जो है सेकंड कलर से जाएगा फिर एक और दो फंदे आपके यहाँ पे इस तरीके से जो हैं बेस कलर से जाएंगे तो काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये ही सोलह फंदों का डिज़ाइन अब हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और रो थर्ड को जो है अपनी कंप्लीट कर देंगे रो हम फोर्थ रॉन्ग साइड पे आए हैं इसमें देखिएगा यहाँ पे एक दो तीन फंदे हमने जो है अपने बेस कलर से बना दिए फिर चौथा फंदा जो है हमारा यहाँ पे एक जो है सेकेंड कलर से जाएगा इसके बाद जो है हमारा चौथा फंदा हमने यहाँ पे बना लिया अपनी सेकेंड कलर से उसके बाद फिफ्थ जो है वो भी हम जो है अपनी सेकेंड कलर से बना लेंगे उसके बाद सिक्स वाला हमारा जो है यहाँ पे एक फंदा जो है बेस कलर से जाएगा फिर एक दो और तीन हमारे जो है सेकेंड कलर से जाएंगे फिर एक बेस कलर से जाएगा फिर यहाँ पे एक दो हमारे फंदे जो हैं यहाँ पे सेकंड कलर से जाएंगे, फिर यहाँ पे एक दो और तीन और ये चार फंदे हमारे जो है यहाँ पे हो गए अपने बेस कलर से टोटल ये हमारा दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया अब यही डिज़ाइन दोबारा से मैं जो है रिपीट करूँगी और रो फोर्थ को कंप्लीट कर दूंगी तो फिफ्थ राइट साइड में आ चुके हैं अब सोलह फंदों का डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे देखिएगा एक दो तीन और चार फंदे हमारे जो हैं इस तरीके से जो है बेस कलर से जाएंगे उसके बाद हमारे तीन फंदे एक दो तीन फंदे सेकंड कलर से जाएंगे एक फंदा हमारा जो है बेस कलर से जाएगा एक फंदा हमारा सेकंड कलर से जाएगा एक फंदा हमारा जो है बेस कलर से जाएगा तीन फंदे एक दो तीन फंदे हमारे यहाँ पे जो है सेकंड कलर से गए इसके बाद जो है हमारे तीन फंदे एक दो तीन जो है यहाँ पे बेस कलर से जाएंगे तो हमारा दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फंदू का डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गया यही सोलह फंदू का डिज़ाइन दोबारा यहाँ पे मैं रिपीट कर लूँगी और रो फिफ्थ को कंप्लीट कर देंगे रो सिक्स हम रॉन्ग साइड में आ चुके हैं इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा एक दो फंदे हमारे जो हैं बेस कलर से जाएंगे उसके बाद एक दो तीन चार और पांच फंदे हमारे यहाँ पे जो है सेकंड कलर से गए फिर एक फंदा हमारा बेस कलर से जाएगा फिर यहाँ पे दोबारा से एक दो तीन चार और पांच फंदे हमारे यहाँ पे जो है सेकंड कलर से गए इसके बाद जो है पांच फंदे के बाद हमारा एक दो और तीन फंदे बेस कलर से जाएंगे टोटल हमारे दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फंदू का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया यही आप दोबारा से यहाँ पे रिपीट करेंगे और रो सिक्स को कंप्लीट कर देंगे देखिए यहाँ पे रो वन टू सिक्स कंप्लीट हो चुकी है हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है रो सेवन्थ में जाएंगे इसमें क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा एक दो तीन और चार फंदे अपने जो है हम यहाँ पे बेस कलर से बना लेंगे उसके बाद एक दो तीन फंदे हम सेकंड कलर से बना लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे एक फंदा हमारा जो है वो बेस कलर से जाएगा एक फंदा हमारा जो है सेकंड कलर से जाएगा फिर एक फंदा हमारा बेस कलर से जाएगा फिर हमारे एक दो तीन फंदे यहाँ पे जो है सेकंड कलर से जाएंगे फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे एक दो और तीन फंदे हमारे यहाँ पे जो है अपने बेस कलर से जाएंगे टोटल हमारा तीन नौ बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया यही पैटर्न मैं यहाँ पे भी अब अप अपना कंटिन्यू करूँगी और रो सेवन्थ को कंप्लीट कर देंगे रो हम अपने यहाँ पे एट्थ में आ चुके हैं इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिएगा एक दो तीन फंदे हमारे यहाँ पे जो है अपने बेस कलर से गए हैं फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे दो फंदे एक दो फंदे हमारे यहाँ पे जो है सेकंड कलर से जाएंगे फिर एक फंदा बेस कलर से फिर उसके बाद तीन फंदे एक दो तीन फंदे हमारे यहाँ पे जो है सेकंड कलर से गए हैं फिर एक फंदा हमारा जो है यहाँ पे बेस कलर से जाएगा दो फंदे हमारे यहाँ पे जो है अपने सेकंड कलर से जाएंगे फिर उसके बाद एक दो तीन और चार फंदे हमारे यहाँ पे जो है अपने बेस कलर से जाएंगे टोटल हमारे तीन छः नौ बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है अब यही सोलह फंदों का डिज़ाइन मैं और यहाँ पे जो है रिपीट करूँगी और रो अपनी एट को कंप्लीट कर दूँगी यहाँ पे हम अपनी रो जो है नाइन्थ में आ चुके हैं इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा पहले तो हम यहाँ पे एक दो और तीन फंदे हमने यहाँ पे जो है अपने बना लिए इस तरीके से बेस कलर से उसके बाद एक फंदा हमारा यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है सेकंड कलर से जाएगा उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे एक दो फंदे हमारे जो है बेस कलर से जाएंगे फिर हमारे यहाँ पे पांच फंदे एक दो तीन चार और पांच फंदे जो हैं यहाँ पे हमारे सेकंड कलर से गए फिर यहाँ पे दो फंदे एक दो फंदे हमारे यहाँ पे जो है बेस कलर से जाएंगे फिर हमारा यहाँ पे जो है एक फंदा जो है सेकंड कलर से हाँ जाएगा और दो फंदे हमारे यहाँ पे जो है अपने बेस कलर से जाएंगे टोटल हमारे ये तीन छः नौ बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया ये तोधा, तोधा ही पैटर्न में दोबारा रिपीट करूँगी और अपनी रो नाइन्थ को कंप्लीट कर दूँगी देखिएगा रो मैं टेंथ में आ चुकी हूँ इसमें क्या करना है रॉन्ग साइड है पहला फंदा बेस कलर से जाएगा दूसरा फंदा हमारा सेकंड कलर से जाएगा फिर एक दो तीन और चार फंदे हमारे जो हैं बेस कलर से जाएंगे फिर तीन फंदे एक दो और तीन फंदे हमारे यहाँ पे जो है सेकंड कलर से गए फिर एक दो तीन चार फंदे हमारे यहाँ पे जो है इस तरीके से बेस कलर से गए फिर एक फंदा हमारा यहाँ पे जो है सेकंड कलर से जाएगा और दो फंदे हमारे यहाँ पे जो है बेस कलर से जाएंगे टोटल दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया दोबारा से मैं डिज़ाइन को रिपीट करूंगी और इस रो को कंप्लीट कर दूँगी डिज़ाइन की लास्ट रो रो हम अलेवंथ में आ चुके हैं इसमें हमने क्या करना है यहाँ पर पहले दो फंदे डिज़ाइन के हमने अपने जो है यहाँ पर सेकेंड कलर से बना लेने हैं फिर उसके बाद एक दो तीन चार पाँच और यहाँ पे छः फंदे हमने अपने जो है बेस कलर से बना लेने हैं फिर एक फंदा हमने सेकंड कलर से बनाना है फिर छः फंदे एक दो तीन चार पाँच और छः फंदे हमारे यहाँ पे जो है अपने बेस कलर से गए और एक फंदा लास्ट वाला हमारा यहाँ पे जो है अपने सेकंड कलर से जाएगा जैसे बेसिकली हमने अपनी रो फर्स्ट बनाई थी उसी तरीके से ये रो अलेवंथ बनेगी इस तरीके से जो है ये हमारा सोलह फंदू का पैटर्न जो है डलेगा अब मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ दोबारा इसी तरीके से ये पैटर्न डालूंगी मैं सोलह फंदू का डिज़ाइन है आप इसे बार बार जो है कंटिन्यू करते जाएंगे और आपका डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके का बन के तैयार होगा काफ़ी इजी है ग्यारह रोज़ का टोटल डिज़ाइन है आप इसे जो है अपने कार्डिगन में जो है इस तरीके से बेस में बॉर्डर में डाल सकते हैं गले में डाल सकते हैं या फुल बच्चे की स्वेटर में डाल सकते हैं काफ़ी सुंदर जो है डिज़ाइन बन के तैयार होता है डबल कलर का डिज़ाइन है किसी भी बेबी प्रोजेक्ट में लेडीज़ कार्डिगन गर में गर्ल्स फ्रॉक में यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कीजिए साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू